हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन वेमनर आपके पार्टनर की करंट एनर्जी लेकर आई हूँ, जो कि इस टाइम आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ना कहीं फैमिली प्रेशर जो कि उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं मैरिज के लिए, इस वजह से उनका बहुत ज़बरदस्त हार्ट ब्रेक हुआ है। वो चाहकर भी अपनी बात आपसे नहीं कह पा रहे, क्योंकि आप उनसे क्लियरिटी मांगते हैं और आपको क्लियरिटी ना देने के कारण और फैमिली प्रेशर के कारण वो बहुत ज़्यादा ही बर्डन में फील कर रहे हैं कि क्या डिसीजन लूँ, समझ ही नहीं आ रहा। फैमिली वाले इधर नहीं मान रहे और अपनी DF जो मेरा वेट कर रही है और मैं भी उनके लिए वेट कर रहा था, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि मैं चाहकर भी अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर या कैसे अपनी DF को बोलूं। अगर मैं DF की सुनता हूं तो फैमिली वाले भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो दोनों में बैलेंस करने की कोशिश की गई लेकिन वो बैलेंस नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स या उनके जो भी फैमिली मेंबर वालों ने बीच में, हो सकता है उनके ऊपर ब्लैक मैजिक का कुछ काम करवाया हो या कुछ ऐसा उनको दूर करने के लिए आप दोनों को। तो ये अभी एक एनर्जी निकल के आ रही है, जबकि आपके पर्सन ने बहुत एफर्ट किया है, आपके लिए मेहनत की है, समझ गए हैं कि आपके बिना उनकी ग्रोथ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फैमिली वालों के हाथों मजबूर हो चुके हैं। और आप जबकि उनकी विश फुलमेंट है, आपसे शादी करना चाहते हैं, आप ही के लिए सब कुछ सोच रहे हैं, फ्यूचर भी आपके साथ देखते हैं, लेकिन उनकी कई एक भी नहीं सुनी जा रही। उनके फैमिली वालों मेंबर जो हैं बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर स्टिकनेस करे हुए हैं, उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आप ऐसे शादी नहीं कर सकते हैं। कोई ना कोई उनके पास दबाव डाला जा रहा है, जिनकी वजह से उनकी जो कंडीशन है बहुत ही सैडनेस वाली, बहुत ही परेशानी में। नहीं समझ आ रहा अब किया जाए तो क्या जाए, तो लेकिन वो इस टाइम बहुत ही परेशानी में है। तो उनका दिमाग भी जो है ऑटो संतुलन में कह सकती हूँ, वो भी काम नहीं कर रहा है कि कौन सा क्या करूँ और क्या ना करूँ। इस टाइम वो बहुत ही बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, उनके घर वालों ने ही उनके साथ थोड़ा सा चीटिंग उनके साथ किया है, कहीं ना कहीं उनका एंगेजमेंट करवा दी है चीटिंग से, दबाव डाल के उनके साथ करवाई गई है। और DF यहाँ जो कि उनका वेट कर रही थी, उनको भी कहीं ना कहीं ये सब फीलिंग हो रहा होगा कि उनके DM इस टाइम इस अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो उनको सारी फीलिंग आप समझ रहे होंगे कि आपको क्राइंग एनर्जी भी फील हो रही है और डिप्रेशन वाली, आपके हार्ट बीट सब कुछ आपको फील हो रहा होगा, जो भी इनके साथ है आप फील कर पा रही होंगी। और इस टाइम आप भी सैडनेस वाली एनर्जी में हो सकती हैं और बहुत बड़ा जो अभी प्रॉब्लम चल रही है, तो इस टाइम आप दोनों ही इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। जहाँ चाहकर भी एक दूसरे को कुछ कहना चाहें तो भी नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ अभी डिसीजन नहीं नज़र आ रहा है कि कोई आपके पर्सन डिसीजन ले पा रहे हैं, क्योंकि वो फंस चुके हैं बुरी तरीके से। लेकिन प्यार आपसे ही करते हैं, लेकिन वो प्यार का भी क्या फ़ायदा जो आपको वो अपना 100% भी ना दे पाए। तो इस वजह से वो बैक स्टेप कर रहे हैं, बार बार सोचते हैं आपके पास आने के लिए लेकिन नहीं आ पा रहे हैं। तो ये अभी एक उनकी मजबूरी है सबसे बड़ी, जो उनकी फैमिली वालों ने क्रिएट कर दी है, इस वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। और साथ में ब्लैक मैजिक भी उनके ऊपर किया गया है उनके रोकने के लिए, आप दोनों को सेपरेशन के लिए। तो अभी तक की यही अपडेट, और एक सॉन्ग डालूंगा, अगर रेजोनेट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आप किसी को कोई किसी की कमेंट का हेल्प करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी टाइम नहीं है तो मैं आपको रिप्लाई करूं, लेकिन मैं पढ़ती सबकी हूं। अगर ज़रूरी होगा जिनका कि वो ज़्यादा मुझे लगेगा कि है तो वहाँ पे मैं ज़रूर कमेंट करूंगी, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट कीजिएगा। अभी थोड़ी सी मैं बिज़ी चल रही हूं, तो अभी तक यही अपडेट और देखते हैं आगे की कल की एनर्जी क्या होती है। तो जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।